10 ऐसे अल्टकॉइंस जो 2025 के बुल रन के अंदर आपको 50x से लेकर के 500x तक का रिटर्न दे सकते हैं। 10 ऐसे AI, मीम, डेफिन, लेयर वन, RWA और डेफाई के अल्टकॉइंस जिसके अंदर 50 गुना से लेकर के 500 गुना का रिटर्न देने की सलाहियत मौजूद है। 10 ऐसे अल्टकॉइंस जो AI के कैटेगरी से भी हैं, मीम से भी हैं, डेपिन से भी हैं, लेयर वन के भी हैं, RWA के भी हैं, डीफाई के भी हैं और ये प्रोजेक्ट आपके 1000 को 50,000 से लेकर के 5,00,000 तक बना सकते हैं। तो ये कौन से प्रोजेक्ट है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे अल्टकॉइन बताने वाला हूँ जो AI के अंदर भी आते हैं, मीम कैटेगरी के भी कॉइन हैं, डेपिन के भी हैं, लेयर वन के भी हैं, RWA के भी हैं और डेफी के भी हैं और इनके अंदर कम से कम 50 गुना से लेकर के 500 गुना तक जाने की सलाहियत मौजूद है और यहां से आपको अच्छा खासा अमाउंट हासिल हो सकता है। तो ये कौन से प्रोजेक्ट हैं और इनको बाय कहां से करना है, इनके अंदर पोटेंशियल कितना दिखाई दे रहा है, इनकी मार्केट कैपिटल कितनी है और बुल रन के अंदर कितनी मार्केट कैपिटल अचीव कर सकता है और यहाँ से हमें रिटर्न कितना मिल सकता है, सारी बातें डिटेल से इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि सारी बातें सारा प्रोसेस और सारा मेथड को समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ये है AI का प्रोजेक्ट, इसका नाम है ट्राइज। मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसकी मार्केट कैपिटल है सिर्फ 30 मिलियन की। ये बुल रन के अंदर 2025 के बुल रन के अंदर 5 मिलियन तक आसानी से जा सकता है और यहाँ से जो हमें रिटर्न मिलेगा 167 गुना का, यानी आपके 1000 की वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा बन जाएगी। दूसरा जो हमारा क्वाइन है उसका नाम है पेंडल, इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये आता है RWA के अंदर, इसकी मार्केट कैपिटल 650 मिलियन और मेरा मानना यह है कि 2025 के बुल रन तक ये 40 मिलियन तक जा सकता है और रिटर्न मिलेगा इससे 62 गुना का। तो ये प्रोजेक्ट भी तगड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारी देख सकते हैं। तीसरा जो कॉइन है उसका नाम है अल्फियम, ठीक है, ये लेयर वन के अंदर आता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 100 मिलियन, 2025 के बुल रन तक ये 15 मिलियन तक जा सकता है और यहाँ से 150 गुना का रिटर्न हमें मिल जाएगा, आप हमारी डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था। अगर चौथा देखेंगे तो इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, इसका नाम है मिंट लेयर और इसकी जो कैटेगरी है वो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। मार्केट कैपिटल सिर्फ 20 मिलियन, बुल रन के अंदर कम से कम ये 4 बिलियन तक जा सकता है, उस सूरत में ये हमें 200 गुना का रिटर्न दे देगा, यानी आपके 1000 की वैल्यू 2,00,000 बन जाएगी। तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फाला नेटवर्क, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये AI के अंदर भी आता है और डेपिन के अंदर भी आता है, इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 70 मिलियन, 8 मिलियन तक ये जा सकता है 2025 के बुल रन के अंदर, उस सूरत में आपको रिटर्न मिलेगा 114 गुना का, यानी आपके 1000 की वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा बन जाएगी। तो यह प्रोजेक्ट भी तगड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है एरोड्रोम, ठीक है, ये स्पिनिंग देख सकते हैं, ये आता है डेफी के अंदर, इसके मार्केट कैपिटल सिर्फ 600 मिलियन, बुल रन के अंदर ये 30 मिलियन तक जा सकता है और यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 50x का। तो 50x बिल्कुल इजी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्टेबल प्रोजेक्ट है और काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर है, तो यहाँ से आपको 50 गुना का रिटर्न इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है उसका नाम है बरेट, ठीक है, BRET, ये एक मीम कॉइन है और मैंने इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो करंट मार्केट कैपिटल है वो है 800 मिलियन की और बुल रन के अंदर मेरा मानना यह है कि 40 मिलियन तक ये जा सकता है, अगर इस सूरत में इसके अंदर से 50 गुना का रिटर्न मिल जाएगा, यानी हमारे 1000 की वैल्यू 50,000 बन जाएगी। ये एक स्टेबल प्रोजेक्ट है, यानी काफ़ी अच्छी खासी मार्केट कैपिटल अचीव कर चुका है और यहाँ से
इस प्रोजेक्ट से हमें 50 गुना रिटर्न ज़रूर मिल सकता है। तो आप हमारी डिटेल वीडियो ज़रूर जाकर देखें, उससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो बरेड प्रोजेक्ट तगड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ से रिटर्न हमें मिल सकता है ठीक ठाक। ठीक है, अगले अगर हम प्रोजेक्ट पर जाएंगे जो हमारा देखेंगे तो आठवां हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए शायद के, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ। इसका नाम है आकाश नेटवर्क, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उस आप वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके ये आता है डेफी के अंदर, 600 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है और 2025 के बुल रन तक ये 30 मिलियन तक जा सकता है। अगर ऐसा कर लेता है तो हमें 50 गुना रिटर्न मिल जाएगा। आकाश नेटवर्क बिल्कुल इजीली 2025 के बुल रन के अंदर, मेरा मानना, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये 30 मिलियन तक जा सकता है और 50 गुना इसके अंदर बिल्कुल फीजिबल है, मुमकिन है। और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आकाश नेटवर्क एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे, ये हमारा नवा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। इसका नाम है ग्राफ लिंक, यानी GLQ क्वाइन। ये बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने खुद इसके अंदर एंट्री कर रखी है और ये आता है AI के अंदर। मार्केट कैपिटल इस क्वाइन की काफ़ी कम है, 20 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है और मेरा मानना यह है कि 2025 के बुल रन के अंदर ये 10 मिलियन तक जा सकता है। मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर उस वीडियो को देखेंगे, क्या किसी के अंदर खास चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें उस वीडियो के जरिए से आपको सीखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि 10 मिलियन तक ये आसानी के साथ जा सकता है और अगर 20 मिलियन से 10 मिलियन तक पहुंच जाता है तो हमें यहाँ से 500 गुना का रिटर्न मिलेगा, यानी हमारे 1000 की जो वैल्यू होगी वो 500,000 हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट तगड़ा प्रोजेक्ट है और AI के अंदर ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करें ताकि आप यहाँ से मज़ीद रिटर्न हासिल कर सके। हमारा आखिरी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ही मैंने एंट्री कर रखी है, ठीक है, और अच्छी खासी एंट्री कर रखी है। इसका नाम है डियोन प्रोटोकॉल। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कई वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो है, ठीक है, हर एंगल से इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे एतबार से, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन मेरे रिसर्च के एतबार से ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आता है AI कैटेगरी से, इसकी मार्केट कैपिटल सिर्फ 70 मिलियन की मार्केट कैपिटल है और 8 बिलियन तक ये आसानी के साथ जा सकता है बुल मार्केट के अंदर। उस सूरत में इससे 114 गुना का रिटर्न मिल जाएगा, यानी 100x का रिटर्न यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो आपके 1000 की वैल्यू लाखों में बन सकती है। तो ये हमारे 10 ऐसे अल्टकॉइन हैं जिनके अंदर से आपको 50 गुना से लेकर के 500x तक का, यानी 500 गुना का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जब 500 गुना की बात आती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर 50 गुना का रिटर्न मिलेगा उसके अंदर रिस्क कम है, जिसके अंदर आपको 200x का रिटर्न मिलेगा उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, और जिसके अंदर 500 गुना का रिटर्न आपको मिल सकता है वहाँ पर रिस्क और ज़्यादा है। तो आप अपने रिस्क के अतबार से चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से रिसर्च करें, इसलिए कि प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। ना तो मैं आपके साथ प्रॉफिट में हूँ और ना ही आपके साथ आपके लॉस में हूँ, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। इसलिए अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च किया करें। अगर आपके कायदे के मुताबिक और आपके रिसर्च पर सही साबित होता है तब जाकर के उसके अंदर एंट्री किया करें। उसके अलावा बिल्कुल ना किया करें किसी भी यूट्यूबर की बात में आकर के और किसी के झांसे में आकर के या किसी की वीडियो देख करके एंट्री ना कर लिया करें, बल्कि उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ा करें तभी जा करके उसके अंदर काम किया करें। तो मैंने इस वीडियो के अंदर AI को भी कवर किया है, मीम को भी कवर किया है, डेपिन को भी किया है, लेयर वन को भी किया है, RWA को भी किया है और डेफी को भी किया है। मेरा मानना यह है कि ये कैटेगरी जो है वो 2025 के बुल रन के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये वो प्रोजेक्ट बताऊँ जहाँ कुछ के अंदर रिस्क कम हो, कुछ किसी के अंदर रिस्क ज़्यादा हो, तो आप अपने अतबार से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि वीडियो आपको सही तरीके से यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते हैं। अपना राय, अपना कमेंट्स, अपने ख्याल में जरूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।